चल चल सर, लगभग एक महीने बाद मैं वादियों को फिर से दोबारा देख रहा हूँ और अभी मॉर्निंग का टाइम, हाँ मॉर्निंग बोल ही सकते हो, दोपहर होने को है क्योंकि अभी 12 बज चुका है। क्योंकि ज़्यादातर कॉर्निशन ब्रिज के सामने पुलिस रहता है, इसीलिए अब मतलब शादी में जा रहे हैं, कोई लफड़ा फफड़ा नहीं चाहिए, आराम से जाएंगे, घूमेंगे, खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। और आज तो भाई संडे है इसलिए टूरिस्ट भी बहुत ही ज़्यादा है। सो बहुत दिनों के बाद इन कॉर्निशन ब्रिज में, अरे 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 अरे, अरे यार अंकल जी संभाल ही नहीं पाया बाइक को। अरे 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 अरे, तो मैं अगर सामने होता ना, क्योंकि गाड़ियों के पीछे था इसलिए सामने जाके हेल्प ने कर नहीं पाया, वरना अंकल जी को हेल्प ज़रूर कर देता। सो यहाँ पे आके थोड़ा रुके हैं और दोस्त लोग अभी आ रहे हैं। और भाई थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा है मुझे, क्योंकि सामने अंकल आंटी मेरे सामने गिर गए। वैसे उन लोगों को चोट शायद नहीं आया होगा, नॉर्मली अंकल जी बाइक को संभाल नहीं पाए इसलिए गिर गए, और मैं थोड़ा पीछे था, शायद मुझे जाके फटाफट जाके हेल्प करना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि मैं वहाँ पे खड़ा ही रह गया। बाइक थोड़ा सा रुक के दौड़ के थोड़ा सा हेल्प कर सकता था उनकी, लेकिन क्या ही बोलूँ, अभी गिल्टी फील करके फ़ायदा भी क्या। वहाँ पे एक भैया वेंडर जो कि उन्होंने उनका मदद कर दिया, मुझे भी जाके करना चाहिए था, नॉट फॉर वीडियो, ज़रूरी है ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए उन लोगों को जाके हेल्प करना चाहिए था।
ये रहा, ये दो दोस्त और एक, मतलब हम लोग चार जन मिलके शादी में जा रहे हैं अपनी दोस्त की, जो कि हम लोगों से थोड़ा सीनियर है, इसलिए आज उसका शादी है और शादी में थोड़ा हम लोग एंजॉय करने के लिए हम लोग जा रहे हैं ये चारों दोस्त मिलके। तो फिर हाँ, हाय कर दो। हाय। तो फिर चलते अपनी राइड कंटिन्यू करते और थोड़ा सा फोटो शूट लेके। सो ये खुला सा एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जब बाइकर निराद्री के साथ मीटअप हुआ था ना, यही लेस ब्रिज, मतलब वो नदी के बीच हम लोग गए थे वहां पे। बाइकर निराद्री के साथ सामने बागरा कोट पराठा मोड़ के सामने से हम लोग पराठा खा के रिटर्न आके हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे तरीके से फोटो खींचा था। भैया ने ड्रोन भी उड़ाया था और तभी मतलब सामने से DJI Mavic 2 Pro ड्रोन देखा था, मतलब पहली बार सामने से ड्रोन, अपनी आंखों के सामने से ड्रोन उड़ता हुआ देख रहा था। बहुत ही अच्छा वाला फीलिंग था, क्योंकि काश कब होगा मेरा भी एक ड्रोन। ओवरटेक करना चाहिए लेकिन देख के करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला बंदा कोई आ नहीं रहा ना, इसीलिए सामने से कोई आ तो नहीं रहा ना, उसके बाद ही ओवरटेक करना चाहिए। सो ये हम लोगों को अभी ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो गया है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग मतलब दोपहर को हो रहा है। सो यहीं पे ये है पराठा मोड़। सो ये है पराठा मोड़ और यहाँ पे राजीव ढाबा, यहाँ पे हम लोग अभी अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी राइड। अभी हम लोग पराठा पेल रहे, लच्छा पराठा, चारों दोस्त मिलके, ठीक है, पराठा मोड़ में। तो फिर हम लोग अपना लंच, अभी लंच ही बोल सकते हो, ब्रेकफास्ट छोड़ो लंच ही बोल सकते हो, लंच कर रहे हैं, उसके बाद निकलते। सो बागड़ा कोट यानी पराठे मोड़ में जो हम लोगों ने लच्छा पराठा खाया ना, राजीव ढाबा से, मतलब लाजवाब यार, यहाँ का लच्छा पराठा फेमस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है यहाँ पे लच्छा पराठा। मतलब हर बार जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ वहाँ पे पराठा खाता हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और तुम लोग भी चाहो तो अगर उदलावाड़ी साइड आते हो तो फिर वहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हो। उदलावाड़ी आ गया रे, तो लगा हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे उदलावाड़ी बाजार का जाम। सो दोस्त कह रहा है यहाँ से हम लोग को लेफ्ट टर्न लेना है शायद अपने दोस्त के घर के लिए। सो यही है उदलावाड़ी मोड़, उदलावाड़ी, और यहाँ से ये रास्ता सीधा राइट का रास्ता गाजल डबा, और हम लोग यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहे। वाह क्या मस्त जगह है, यहाँ का जो जगह है वो काफी खूबसूरत है, और यहाँ से सामने ही पहाड़ों का नज़ारा, जो कि फिलहाल अभी क्लियर नज़र में नहीं आ रहा है, लेकिन पहाड़ यहाँ से दिख रहे हैं, क्योंकि अभी विंटर का मौसम है तो थोड़ा सा पहाड़ तो धुंधला हुआ रहेगा। और ये सीधा अपना गांव की रास्ता जा रहा है अपने दोस्त के घर की तरफ, कितना दूर है पता नहीं, यानी 6-7 किलोमीटर तो होगा। ये जो मतलब कितने सारे क्या बोलते हैं इसको, कितने सारे पेड़, नारियल के पेड़ लग रहे हैं, लेकिन ये नारियल का पेड़ नहीं है, इसको पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, वो ऐसा था जो पान मसाला होता है ना, वो वाला पेड़ यहाँ पे, कितने सारे है, बहुत ही खूबसूरत दोनों तरफ, मतलब ऐसे टी गार्डन्स, बहुत ही अच्छा लगता है देखने को यार। और अगर ऐसा वाला रोड है ना, बस और क्या चाहिए। सो कब से हम लोग सीधा चल ही रहे, और पहाड़ यहाँ से बहुत ही सामने है, पहाड़ है, और इधर का एनवायरनमेंट देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा भाई, बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे गांव है, छोटे छोटे घर हैं, स्पेस, यहाँ पे एक घर, वहाँ पे एक घर, आउटसाइड, मतलब सच में भाई देख के ये जगह पहली बार आके और देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और पता नहीं दोस्त का घर अभी कितना दूर है और कितना दूर जाना पड़ेगा, सामने तो पहाड़ ही आ गया। सो देख ही सकते सामने माउंटेन्स।
नेटवर्क काम कर रहा है यही सही है। अरे बाप, बड़ा गाड़ी जाने के लिए नहीं है क्या? तो बहुत ही खूबसूरत जगह पे हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा चढ़ाई है, चारों तरफ पहाड़ी एरियाज, चारों तरफ ही पहाड़ी एरियाज, देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और दोस्त के घर में, मतलब दोस्त को तोहफा, अभी को तोहफा दे के हम लोग अभी निकल चुके हैं थोड़ा पहाड़ी सफर करने के लिए। पीछे दो दोस्त आ रहे हैं, मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ का, और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा अभी हेलमेट खोल के अभी हम लोग राइडिंग कर रहे हैं, उसका कोई इशू नहीं है यहाँ पे, मतलब पुलिस का कोई इशू नहीं है, और हम लोग ध्यान से भी हम लोग चला लेंगे। दोस्त का घर चाप, और उतना ठंड फिलहाल नहीं है इसीलिए अच्छा लग रहा है।
सुनते हैं।